सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों को हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, स्वागत है। आज 17वां अध्याय देखने जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान आज क्या बोलेंगे हम सुनने जा रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। 17वां अध्याय का नाम है। तो चलिए देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, ये शास्त्र विधिमुत सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, शास्त्र विधि अर्थात शिष्टाचार की परवाह न कर जो केवल श्रद्धा से ही पूजा आदि करते हैं उनकी गति कैसी होती है, सात्विक राजसी व तामसी। श्री भगवान उवाच, अब श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रीनु। हे अर्जुन, मनुष्य में स्वभाव से ही तीन प्रकार की श्रद्धा अर्थात सात्विक राजसी और तामसी होती है, वह तू सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयम् पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। हे भारत, हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण करती है। मनुष्य में कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा वह होता है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर क्षान्ति सी राजसाहा प्रेतान भूतगणांश्चान्य ये यजन्ते तामसा जनाः। सुनिए न कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। सात्विक लोग देवताओं को भजते हैं, राजस लोग यक्षों राक्षसों को भजते हैं, और दूसरे तामस लोग भूत प्रेत आदि को भजते हैं।
आसान भाषा बोल रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से। जो सात्विक लोग हैं भगवान को भजते हैं, भगवान के कीर्तन भजन करते हैं, पूजते हैं। और जो राजस लोग हैं ना, वो तो राक्षस यक्ष आदि को पूजते हैं, भजते हैं। और जो तामस लोग हैं वो तो एकदम गिरे हुए हुए हैं, एकदम गिरे लोग हैं, वो तो भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। कोई शमशान भूमि जाकर न जाने क्या करते हैं, भूत प्रेत आदि को पूजते हैं, भजते हैं। आगे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, अशास्त्र विहीनम अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध यासुर निश्चयान। दंभ और अहंकार वाले, काम और राग के बल से प्रेरित जो लोग शास्त्रीय विधि से रहित घोर तप करते हैं, वे मूढ़ लोग शरीर में स्थित पांच महाभूतों को और अंतःकरण में विद्यमान मुझको भी कष्ट देते हैं। ऐसों को आसुरी निश्चय वाला जान। हाँ, यहां पर भगवान बोल रहे हैं, ये लोग, ये दम अहंकार वाले, काम और राग के बल से प्रेरित जो लोग शास्त्रीय विधि से रहित घोर तप करते हैं, वो मूढ़ लोग हैं और मुझे कष्ट देते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है इन लोगों से। और निश्चय ही ये आसुरी निश्चय वाला जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रीनु। आहार भी, हे अर्जुन, आहार भी भोजन भी तीन प्रकार से प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार से प्रिय होता है। उसका यह भेद तू सुन, भी सुन। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विक प्रियाः। हे अर्जुन, आयुष्य सात्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ाने वाले रसदार, चिकने, पौष्टिक और मन को रुचिकर आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। तो देखा आपने सात्विक आहार कैसे होते हैं, जो आयुष्य, आयु को बढ़ाने वाले, सात्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ाने वाले रसदार, चिकने, पौष्टिक और मन को रुचिकर आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। तो ये है सात्विक आहार। कट वम्ललवणात्युष न तीक्ष्ण रुक्ष विदा हीनः आहारा
राजसस येष्टा दुख शोकाम य प्रदाह। और देखिए यहां पर कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, राजस लोगों को क्या प्रिय होते हैं, देखिए, तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रूखे, दाहकारक आहार राजस लोगों को प्रिय होते हैं और वे दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो गया, ये राजसिक लोगों को क्या प्रिय होते हैं, उनके भोजन कैसे होते हैं। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उचिष्ठमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। पहर भर से पड़ा हुआ नीरस दुर्गंधित बासी झूठा अपवित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय होता है। बासी भोजन, बासी रोटी और जो नीरस दुर्गंधित दुर्गंध झूठा अपवित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय होता है। अब आप सोचिए ना, इस तरह के भोजन करके है, ये तामस लोगों को कैसी बुद्धि होगी, उन लोगों का मन कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, चाल चलन कैसे होगा, क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्य मे वेति मनः समाधायस सात्विकः। जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर मन को उसमें पिरोकर होता है, वह यज्ञ सात्विक है। यहां यज्ञ का अर्थ, दो तीन अर्थ होते हैं। यज्ञ, यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, यज्ञ यानी अच्छे कर्म, और यज्ञ का मतलब यज्ञ हवन भी होता है। हम घी आहुति ये सब डालते हैं ना हवन कुंड में, ये भी यज्ञ है। लेकिन जो जो सात्विक लोग हैं, वो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर मन को उसमें पिरोकर होता है, वह यज्ञ सात्विक है। हृदय पूर्वक करते हैं, अपने दिल से करते हैं यज्ञ हवन, और जो अच्छे अच्छे कर्म है वो अपने दिल से करते हैं, फल की आशा न करते हुए कर्तव्य कर्म करते जाते हैं। तो अवश्य उस तरह के लोग सात्विक लोग होते हैं। अभी संधाय तू फलम दंभार्थ मपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। अब राजसी लोग, उनके बारे में बताए गए हैं। हे भरत श्रेष्ठ,
जो फल के उद्देश्य से और दंभ से होता है, उस यज्ञ को राजसी जान। देखा आपने, राजसी लोग कैसे सोचते हैं, उनकी मनसा कैसी होती है। जो फल के उद्देश्य से और दंभ से होता है, उस यज्ञ को राजसी जान। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिसमें विधि नहीं है, अन्न की उत्पत्ति नहीं है, मंत्र नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञ को बुद्धिमान लोग तामस यज्ञ कहते हैं। वो किस तरह के यज्ञ है? न दक्षिणा है, न अन्न है, न प्रसाद है, न श्रद्धा है, न त्याग है, कुछ नहीं है। तो ये क्या, ये तो दिखावा है। तो उस तरह के यज्ञ ये तो तामस यज्ञ कहते हैं। तामस यानी सब उनके जो यज्ञ है सब अंधकार में चला जाता है। और क्या, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच माजर शौच मार्जवम ब्रह्मवर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, यह शारीरिक तप कहलाता है। ये शारीरिक तप, शारीरिक तप बहुत सुंदर होता है। और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाम्भ्य सनम चैव वांग्मयम् तप उच्यते। दुख न देने वाला सत्य प्रिय हितकर वचन तथा धर्म ग्रंथों का अभ्यास, यह वाचिक तप कहलाता है। उधर शारीरिक तप, इधर वाचिक, वाचिक तप कहलाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येतपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, भावना, शुद्धि, यह मानसिक तप कहलाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षी भीर्युक्तैहि सात्विकम परिचक्षते। संभाव युक्त पुरुष जब फलेच्छा का त्याग करके परम श्रद्धा पूर्वक यह तीन प्रकार का तप करते हैं, तब उसे बुद्धिमान लोग सात्विक तप कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विचार है हमारे सामने श्री कृष्ण भगवान रख रहे हैं। अर्जुन के द्वारा हमें ये ज्ञान मिल रहा है। तो देखा आपने,
सबसे पहले शारीरिक तप। क्या है शारीरिक तप? देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये है शारीरिक तप। और दुख न देने वाला सत्य प्रिय हितकर वचन तथा धर्म ग्रंथों का अभ्यास, यह है वाचिक तप। वाचिक तप। और मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, भावना शुद्धि, यह मानसिक तप कहलाता है। शरीर से, वचन से, मन से पवित्र वचन बोलना, सत्य वचन बोलना, सत्य व्यवहार, आहार, ये सब करना, ये सब आदर भाव एक नियमित रूप से करते जाएंगे तो अवश्य भगवान प्रसन्न ही होंगे। और चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम जलमघ्रुवम। जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दंभ पूर्वक होता है वह अस्थिर और अनिश्चित तप राजस कहलाता है। राजस क्या कहलाता है? जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दंभ पूर्वक होता है, मान बढ़ाई के लिए, कीर्ति के लिए, नाम कमाने के लिए, ये तो दम पूर्वक जो होता है ना, यही राजस कहलाता है। मूढ़ग्राहेनात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामस मुदारितम्। जो तप कष्ट उठाकर दुराग्रह पूर्वक अथवा दूसरे के नाश के लिए होता है वह तामस तप कहलाता है। जैसे रावण भी ना, रावण भी दूसरों को कष्ट देने के लिए यज्ञ हवन करते थे, तपस्या करते थे, तो ये तो है, ये तो राक्षसी लोग करते हैं ऐसे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनु पकारिने देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। देना उचित है ऐसा समझकर बदला मिलने की आशा के बिना देश, काल और पात्र को देखकर जो दान होता है उसे सात्विक दान कहा है। ये तो सात्विक दान ही है। जिसको देना है वो दे देते हैं, और जब दान देते हैं तो कभी नहीं सोचते मैं दान दे रहा हूँ अभी, बाद में मुझे उससे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये लाभ होगा। नहीं, अपने दिल से दान कर रहा है वो व्यक्ति। तो ये है
सात्विक दान। अब चलिए देखते हैं राजसी दान कैसे होता है। यतु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान बदला मिलने में लिए अथवा फल को लक्ष्य कर और दुख के साथ दिया जाता है वह राजसी दान कहा गया है। राजसी दान, मैं अभी दान कर रहा हूं, बाद में मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये लाभ होगा। और कभी कभी दुख के साथ देना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी दुख के साथ कुछ दान दे देते हैं, तो ये राजसी दान है। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम व ज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। देश काल और पात्र का विचार किए बिना बिना मान के तिरस्कार से दिया हुआ दान तामसी कहलाता है। इच्छा नहीं है देने के लिए फिर भी दे रहे हैं हिचकिचाते हुए, उनको इच्छा नहीं है देने के लिए एक, और दूसरी बात यह है वो सोच रहा है मैं ये दान दे रहा हूं लेकिन मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इस तरह के दान कौन सा दान है, ये तो तामसी कहलाता है इस तरह के दान। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ब्रह्म का वर्णन ओम तत्सत इस तरह तीन प्रकार से हुआ है और इसके द्वारा पूर्व काल में ब्राह्मण वेद और यज्ञ निर्मित हुए। तस्मादो मित्यु दाहृत्य यज्ञ दान तपह क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिनाम। इसलिए ब्रह्मवादी ओम का उच्चारण करके यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाएं सदा विधिवत करते हैं। ब्रह्मवादी जो ब्रह्म को मानने वाला है, ब्रह्मवादी भगवान को मानने वाला है, वो हमेशा देते समय कुछ सोचते समय ध्यान करते समय निरंतर ओम उच्चारण करते हैं, चाहे यज्ञ करते समय, दान देते समय, तपस्या करते समय ओम का ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। तदित्य न भी संधाय फलम यज्ञ तपह क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। और मोक्षार्थी तत् का उच्चारण करके फल की आशा रख बिना यज्ञ तप और दान रूपी विविध क्रियाएं करते हैं। उधर ब्रह्मवादी ओम उच्चारण करके दान यज्ञ हवन आदि करते हैं,
वैसे ही जो मोक्षार्थी है, मोक्ष को पाना चाहता है, उस तरह के भक्त, उस तरह के व्यक्ति तत् का उच्चारण करके फल का आशा रखे बिना यज्ञ तप और दान रूपी विविध क्रियाएं करते हैं। बस यही अंतर है। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत् प्रयुच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे अर्जुन, सत्य और कल्याण के अर्थ में सत शब्द का प्रयोग होता है, और हे पार्थ, भले कार्यों में भी सत शब्द व्यवहृत होता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोष्यते कर्म चैव तदर्थेयम् सदित्ये वाभिधीयते। यज्ञ तप और दान में दृढ़ता को भी सत कहते हैं। तत् के निमित्त ही कर्म है, ऐसा संकल्प भी सत कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ, उपरोक्त तीन श्लोकों का भावार्थ यह हुआ कि प्रत्येक कर्म ईश्वर अर्पण करके ही करना चाहिए, क्योंकि ओम ही सत है, सत्य है, उसे अर्पण किया हुआ ही फलता है। अब यहां पर एक अंतिम श्लोक, इस 17वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान बोले, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो यज्ञ दान तप या दूसरा कार्य बिना श्रद्धा के होता है वह असत कहलाता है, वह न तो यहां के काम का है न परलोक के। हाँ, यह तो स्पष्ट ही है, बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य करो वो तो विफल ही होता है, वो सब तो अंधकार ही में चला जाता है। श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। श्रद्धा ही मेन है, श्रद्धा ही जड़ है। श्रद्धा, अगर श्रद्धा न हो तो कोई काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता, चाहे यज्ञ हवन हो, चाहे तप हो, जप हो, कुछ भी हो, अगर उसमें श्रद्धा आप डालेंगे तो अवश्य वो काम सुंदर हो जाता है, वो काम बढ़िया हो जाता है, और उसका लाभ भी बहुत मीठा होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान खूब समझा रहे हैं और अर्जुन भी श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं। तो इसी से यहाँ समाप्त हो जाता है ये 17वां अध्याय। कल फिर मिलेंगे, और जैसे आप लोग जानते हैं हमारे श्रीमद् भगवद् गीता में 18 अध्याय है, आज 17वां अध्याय समाप्त हो गया, कल 18वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है भगवद्गीता का। आप अवश्य आइए और
बैठिए, हम एक साथ बैठकर मनन चिंतन करेंगे और श्री कृष्ण भगवान के जो जो मीठी वाणी है हम ग्रहण करेंगे। तो कल हम मिलेंगे अवश्य, आप आइए। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, ओम हरि ओम।